सबके लिए तो अनवाओ इकसाम के खाने हैं और आप खुद बड़ी सादी सी गिज़ा ले रहे हैं। जो मुझे ठीक रखती है मैं वही लेता हूँ गिज़ा, मैं सादा गिज़ा खाता हूँ और घर के जो जो देसी जो मेरे बाप ने शुरू कराया था मुझे। वाह, इसलिए आप वो जो उन्होंने खिलाया वही आपने उसी को ही सारी उम्र कंटिन्यू चलो कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे फिर क्या करते हैं? जो मुझे जानते हैं लोग, जहाँ भी मैं जाता हूँ आपकी दुआ से, अमेरिका से लेके पता नहीं चाइना ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह यूरोप, तो वहाँ वहाँ लोग मेरे चाहने वाले भी हैं, बहुत प्यार करने वाले, जो मुझे मेरी गज़ा को भी जानते हैं, वो मुझे फिर वही मुहैया कर देते हैं। और होटल में हूँ तो उनको मैं कहता हूँ कि तू उन्हें थोड़ी सी पत्ती डाल दो और ब्राउन ब्रेड बना दो मक्खन के साथ, वो मैं वो भी खा लेता हूँ। तो ये जो खाना है जी, इसका कोई मौसीकी के साथ भी कोई ताल्लुक है कि सादा गिज़ा का या खाने की कोई ख़ास आइटम का भी कोई मौसीकी से ताल्लुक है? ख़ास गिज़ा खाओ जो अल्लाह की तरफ से बनी है, ज़्यादा जो वो कुछ ऐसे जो ऐसे जो गिज़ाएँ हैं जो गले को ख़राब करती हैं वो नहीं मैं खाता। तो ठंडा पानी आप नहीं पीते? मैं खाने के बाद पानी पीता ही नहीं हूँ। खाने के बाद पानी नहीं पीता ही हूँ, आधे पौन घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद और पौन घंटा पहले पी लेता हूँ। उस्ताद गुलाम अली खान का बेटा होना एक एजाज भी है और उसके साथ साथ एक इम्तिहान भी है। एजाज वाला इम्तिहान है तो क्या ये तुझे उम्र भर नहीं। इंडिया जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ, वहाँ कैसे अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई? वो मई का महीना था 1980 में, तो मैं गया वहाँ, तो बस फिर वहाँ के जो जिन्होंने प्यार किया, जिन लोगों ने, वो मुझे याद रहे। वहाँ पे तो बड़े बड़े नाम थे जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब जी, किशोर साहब, लता जी, आशा भोसले, नौशाद साहब, इतने बड़े बड़े नाम, इनमें से आपने किस किस के साथ काम किया और किसने ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया? असल में इन सब के साथ काम किया मैंने, रफ़ी साहब के साथ नहीं किया। रफ़ी साहब का मैं किस्सा सुनाता हूँ, वो ये है कि मुझे उन्होंने जब वो कहीं बाहर गए हुए थे जब मैं इंडिया में था, तो जब मैं आने वाला था तो वो भी आ गए, तो उन्होंने सुना मैं उस वक्त बॉम्बे था, सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया कि मेरे होटल में, ताज होटल में, बॉम्बे का बड़ा मशहूर होटल है, तो उसमें मैं ठहरा हुआ था, तो मैं रात लेट होया था, वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे, तो उन्होंने मेरे फ़ोन किया मेरे कमरे में, तो मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ, आस्था बोल देते, मैं मोहम्मद रफ़ी बोलता हूँ बोलना वहाँ, तो मैं कह जी कौन, मैं नींद में था, मैं कह जी मुझे पता नहीं चला कि किसकी आवाज़ है, तो मैंने कहा जी कौन से रफ़ी साहब, मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ, मेरी एकदम जाग खुल गई, तो मैंने कहा ये तो भाई रफ़ी साहब हैं, मैंने कहा जी भाई जान कैसे मिलाए, ओ मैं सदके जावा, मैं ऐसा पंजाबी बोलने लगा पे मैंने, फिर उन्होंने मैनू कहा मैं मिलना चाहना, मुझे याद है कि ये जो होता है ना हल्दीराम हल्दी कलर इसका सिल्क का वो कुर्ता और धोती पहना हुआ था, बॉम्बे में ये भी बड़ा रिवाज था, तो खैर वो मैं सदके जब मैं आके मैनू अंदर ले गए, मुझे अंदर ले गए, तो कहने लगे मैं बहुत खुश हूँ आज तो आपको देख लिया, मैंने कहा जी भाई जान, और मैंने जब अंदर में गया हूँ ना उनके घर, तो मैंने इतने कभी अवार्ड बहुत कम देखे जितने उनके घर थे, हर गाना उनका हिट होता था। खैर तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा रफ़ी भाई आपको तो बहुत दुनिया सुनती है माशाल्लाह, तो मुझे कहते हैं पर मैं आपको सुनता हूँ, मैंने कहा ये बड़ी बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। पर लता जी से जब मुलाकात हुई तो लता जी ने महेंद्र कपूर को बोला कि गुलाम अली जी आए हुए हैं, मैं उनको सुनना चाहती हूँ, उन्होंने मेरे पीछे उसको लगाया महेंद्र कपूर को, तो वो भी मुझे बहुत प्यार करता था, तो कहता भाई गुलाम खान साहब अपना दीदी बहुत आपको याद करते हैं, वो कहती हैं कि मेरे को एक दिल सामने दे दें, हमने आपको सुनना है, तो उन्होंने फिर मैंने कहा जी सारे दिन लता दीदी जी के हैं, लता दीदी को तो हम खुद इतने फ़ैन हैं, उनके आगे ना कर ही नहीं सकते, पर फिर मैं सीधा चला गया, उन्होंने अपना एक प्रोग्राम बनाया हुआ था इसी ताज होटल में, तो उस वक्त सारे लोग नौशाद साहब, आर डी बर्मन साहब और आयशा जी, कल्याण जी, नंद जी,
लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और सुल्तान खान साहब, राम रैन जी और इतने बड़े बड़े लोग, मजरू सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी जी शायर भी, ये सब लोग और सारे म्यूजिशियन भी उसमें मौजूद थे। एक बॉल रूम है उसका वहाँ का, जहाँ पे 100-200 लोग बैठ सकते, वहाँ भी मेरा गाना सुना। तो मुझे कहती मुझे मैं सर मुझे मैक दे, मैक मैंने उनको पकड़ा के कहते हैं आपकी तकरीर में थोड़ा माजरत थी लेकिन गले में माजरत नहीं है, ये बोला उन्होंने। तो फिर इन लोगों ने बड़ा प्यार किया। पाकिस्तान और इंडिया जी दोनों ममालिक में जी आपने तो बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा काम किया। यहाँ के जो हुक्मरान हैं आपको तो इनकी कुर्बत भी हासिल रही है जी। कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसे गज़ल से ज़्यादा उनसियत थी? पहली दफ़ा मुझे बुलाया गया और उस वक्त सदर यूब साहब थे, उस वक्त मैं अभी नया नया शुरू रेडियो पे कोई उन्होंने मेरा आइटम सुना होगा, तो गुलाम अली को बुलाओ, वो प्रेसिडेंट हाउस में मुझे बुलाया इस्लामाबाद, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने एक काफ़ी मेरे से सुनी कि हाल सुनावा दिल दा फिर महरम राज न मिलता। जियाउल हक साहब भी, वो भी बड़ा मारता था, मैं तो एक दफ़ा हैरान हो गया, उन्होंने मुझे कहा वो जो आपने गज़ल गाई है बेटा दरबारी में वो सुनाओ, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली, तो मैंने वो सुनाई। ये एबटाबाद की बात है, जनरल रहीमुद्दीन भी बैठे हुए थे, वो बहुत समझदार थे, वो काफ़ी उर्दू दान थे, यूपी के थे। तो बहरहाल मैं वहाँ पर गज़ल गाई तो कहते हैं कि बहुत भाई बड़े गुलाम अली में बेटा बड़े फार्म में हो, ऐसा बोला। मुशर्रफ साहब को तो गाने बजाने से खासा शगफ भी था, बिल्कुल। तो उन्होंने कभी कोई ऐसी को फरमाइश की हो? खाल मकबूल साहब गवर्नर थे ना यहाँ पे पंजाब के, उन्होंने कहा कि गुलाम अली उनको बुलाओ, मैंने उनको सुनना है, तो उन्होंने प्रोग्राम मुझे बुलाया। तो जनरल साहब जब आए तो उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी जो 15-16 गज़लें थी तो मैंने ये सुननी है, मैंने कहा जी फिर एक तो थोड़ी थोड़ी होंगी, पर ये तो बहुत 2 दिन चाहिए इनके लिए स्क्वायर। तो बहुत बहुत ही खुश हुए और उनको काफ़ी महारत थी सुनने, गाना सुनने। इस फन को आगे किस तरह मुंतकिल कर रहे हैं? बड़ा बेटा उसका नाम है नजर अब्बास अली और उससे छोटा आमिर गुलाम अली, जो माशाल्लाह बहुत, और उससे मेरा पोते भी हैं और मेरे भाई का बेटा भी माशाल्लाह, मैं तो उसको प्यार से शानी बोलता हूँ लेकिन उसका नाम है अली रजा। तो बहरहाल आगे पोते और नवासे भी ले रहे हैं और जो शागिर्द पेशा, अव्वल तो मैं उस्ताद अपने को मानता नहीं हूँ, मैं मास्टरों के मानने वाला हूँ, उस्तादों के मानने वाला, खुद अपने आप को लिसनर ही समझता हूँ, स्टूडेंट ही समझता हूँ। बहरहाल जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझसे सीखना चाहते हैं, उनको भी मैं कभी ना नहीं की, उनको भी जो रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, उनका भी भला हो जाए। आमिर गुलाम अली से मिलने उनके कमरे में पहुँचे जहाँ वो अपनी नई नस्ल को रियाज करवाने में मसरूफ थे। वाह वाह, थैंक यू सर। अब हम बात करते हैं आमिर गुलाम अली से, जो कि अपने वालिद की लेगेसी को कैरी किए हुए हैं। आमिर सर, आपको बचपन से ही मौसीकी का शौक था या बाद में पैदा हुआ? घर में ऐसा माहौल था, अब्बा का म्यूजिक का, और हर वक्त सुनना म्यूजिक को, और म्यूजिक का एक माहौल बने रहना, तो वो शौक डेवलप होता रहा। बचपन से सुनने का मुझे बहुत शौक था, और खान साहब जी को, फिर मैडिसन साहब को, ये मतलब हमारे घर में गज़लों का माहौल था, तो उससे वाले से मैं इन लोगों को बहुत सुनता था, स्पेशली अपने अब्बा को। शुरू तो बड़ा डरते डरते किया था, लेकिन फिर कुछ अपने मुल्क में और फिर अक्रॉस द बॉर्डर मुझे मेरी एल्बम से कुछ मेरी हौसला अफजाई हुई, उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं आपका काम तो बड़ा अच्छा है, और हम इसको तो इस पर उन्होंने मतलब लाखों करोड़ों रुपए भी लगा दी मेरी एल्बम्स पे। उस्ताद गुलाम अली खान का बेटा होना एक एजाज भी है और उसके साथ साथ एक इम्तिहान भी है क्योंकि इतनी बड़ी लेगेसी को आगे कैरी करना को आसान काम नहीं है, कैसा महसूस करते हैं? ये इतना एक खूबसूरत फीलिंग है, लेकिन ये एक एजाज वाला इम्तिहान है जो आप कह रहे थे ना कि एजाज और इम्तिहान, ये एक एजाज वाला इम्तिहान है जो कि हर बड़े आर्टिस्ट की औलाद को देना पड़ता है। लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा लेते हैं अपने माइंड फ्रेम में, आमिर गुलाम अली को जब वो सुनेंगे तो अपने माइंड में उन्होंने उस्ताद गुलाम अली खान को रखा होगा, लेकिन लोग जो दुनिया में देखता हूँ, जो मेरे हमारे शागिर्द हैं या जो हमें पसंद करते हैं या किसी भी आर्टिस्ट को पसंद करके गाते हैं, तो उनके ऊपर भी यही बर्डन होता है कि यार हम गुलाम अली साहब को गा रहे हैं या हम मेहदी साहब को गा रहे हैं। तो बेटे के लिए सबसे मुश्किल ये चीज़ होती है कि उसको अपना स्पेस बनाना, सबसे मुश्किल काम ये है।
तो उसी में मैंने कह दिया ना कि ये एक ऐसा एजाज़ है जो इम्तिहान से शुरू होता है और इम्तिहान पर ख़त्म होता है। मैंने अपने काम में ज़्यादा कोशिश ये की है कि मैं अपने वालिद साहब की इंस्पिरेशन लेके चलूं, ना कि उनकी एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करूं। अब तक आपके अपने एल्बम्स कितने आ चुके हैं? जी, मेरा पहला एल्बम 1999 में आया था, अक्रॉस द बॉर्डर, एक बहुत बड़ी कंपनी है, म्यूज़िक कंपनी, उसने उसको रिलीज़ किया था, उसका नाम था ओनली मोहब्बत। सेकेंड एल्बम था, उसका नाम था वाली। उन दिनों कुछ भंगड़े म्यूज़िक का और ऐसा कुछ फोक और पॉप म्यूज़िक का बड़ा दौर चल रहा था 2001-2002 में। और थर्ड एल्बम जो मैंने की, वो मेरी कुछ नसीबी है, उसको मैं एल्बम नहीं कहूँगा, वो मेरे लिए एक अवार्ड है। और मेरी जितनी भी काविश या म्यूज़िक में जितना भी किया हुआ काम है, वो उसका रिवॉर्ड है। वो मुझे चांस मिला कि मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब के साथ और आशा भोसले जी के साथ उस एल्बम का मैंने म्यूज़िक भी तरतीब दिया, उसकी कुछ कॉम्पोजिशंस भी बनाई, कुछ खान साहब ने बनाई, तो उसमें मुझे इन दो इतने बड़े लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला और मुझे आशा भोसले जी के साथ दो ड्यूट्स गाने का मौका मिला। फिर अभी रिसेंटली मैंने एक गज़ल रिलीज़ की है, उसका नाम है नहीं मिलना, वो मैंने रिलीज़ की अभी एक साल हुआ।